एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 10 में दिया गया है SST में, SST बोर्ड में सेकेंड सीरीज। तो बेसिकली सेकेंड सीरीज क्या होता है, पहला फॉर्मूला दिया गया है एरिथमेटिक प्रोपगेशन इज द सीक्वेंस इन विच डिफरेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, जैसे a a+d a+2d a+3d। तो a इज फर्स्ट टर्म, d इज अ कॉमन टर्म एंड nth टर्म, तो tn बराबर a+n-1 × d हो जाएगा। उसी जगह दूसरे फार्मूले में सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, जैसे n इज इक्वल टू n/2 × 2n+n-1 × d इज इक्वल टू n/2 a+l हो जाएगा। यार इधर लास्ट टर्म हो जाएगा आपका, जबकि टी एन बराबर क्या होता है sn-sn-1 बेस में। ठीक, तो तीसरे फार्मूले में बेसिकली d इज इक्वल टू sn-2s base n-1 + s base n-2 हो जाएगा। टी एन बराबर क्या होता है यार, 1/2 tn-t base n-k + t base n+k k > 1 होता है। दूसरे प्रॉब्लम देखो क्या दिया गया है गाइस, a कैपिटल a बी आर इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन, तो a इज इक्वल टू a+b इज अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ab। इफ a एंड a1 a2 an and b इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन, देन a1 a2 an are n अर्थमेटिक नंबर बिटवीन a एंड b, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b-a/n+1 हो जाता है। उसी जगह a1 बराबर क्या होता है a+d a इज इक्वल टू na+b/n+1 होता है। a2 बराबर क्या होता है a+2d या n-1 × a+2b/n+1 होता है। a बराबर क्या होता है b-d इक्वल टू a+nb/n+1 हो जाएगा। तीसरे फॉर्मूला दिए गए सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी एंड एन ए, तो a1 a2 a3 an = na हो जाता है। एनी 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन ap कैन टेकन a-d a into a+d होता है। सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोपगेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन ए, तो a1 a2 a3 an = na होता है। एनी एन 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन a-d a a+d होता है। एनी 4 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन टेकन a-3d a-3d a-d a+d a+4 3d हो जाता है। एक छठवें प्रॉब्लम क्या दिया गया है, इफ द नंबर इज एडेड सब्ट्रैक्टेड ईच टर्म इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन रिजल्ट सीक्वेंस इज आल्सो अर्थमेटिक प्रोपगेशन इन द सेम कॉमन डिफरेंस। सातवें प्रॉब्लम क्या दिया गया है, इफ ईच टर्म इन अर्थमेटिक प्रोपगेशन इज मल्टीपल या डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर के रिजल्टिंग इन द सीक्वेंस इज आल्सो अर्थमेटिक प्रोपगेशन। ये आठवें फार्मूले में दिया गया, इसी तरह आठवें फार्मूले में दिया गया है इफ ए फिनिट अर्थमेटिक प्रोपगेशन सम ऑफ टर्म ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग इन ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो a1 + a base n इज इक्वल टू ak + a base n - k - 1 belong to k is equal to 1 to 3 an - 1। उसी देखा नाइन्थ फार्मूले दिए गए सिक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोपगेशन इन द एन टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका an + b वेयर ab आर कांस्टेंट। उसी देखा दसवें फार्मूले में गाइस देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन इज द सिक्वेंस इन विच ए रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म
ए प्लस आर ए ए ए टू आर ए ए आर स्क्वेयर वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज कॉमन रेशियो सम ऑफ द टर्म ए ए प्लस आर स्क्वेयर प्लस ए ए आर पावर एन माइनस वन तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा ए एन माइनस वन माइनस आर पावर एन बटे वन माइनस आर आर ग्रेटर देन वन हो जाएगा ठीक है भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग